इंदौर में पाताल पानी के एक फार्म हाउस में एक लिफ्ट हादसे में जाने माने कंस्ट्रक्शन और टोल प्लाजा कंपनी पाथ इंडिया के मालिक पुनीत अग्रवाल और उनके परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। इस गम से शायद ही अग्रवाल परिवार कभी उबर पाए, लेकिन उनका गम बांटने के लिए गुरुवार को परिवार में नई सदस्य आई। हादसे में मृत उद्योगपति पुनीत अग्रवाल के बेटे निपुण और बहु साक्षी के घर में बेटी ने जन्म लिया। उसका नाम सारा रखा गया है। सुबह 10:30 पर हुई सारा के जन्म के दौरान पिता निपुण और अन्य करीबी मौजूद थे। इस बीच हादसे में मृत गौरव और उनके बेटे आर्यवीर का मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हादसे में घायल गौरव की पत्नी निधि की हालत में फिलहाल कोई सुधार नहीं है। 31 दिसंबर 2019 की शाम को फार्म हाउस में हादसे के वक्त पुनीत अग्रवाल का बेटा निपुण भी वहां मौजूद था, जबकि उनका 3 साल का बेटा नौ दादा के साथ लिफ्ट में था। दुर्घटना में दादा पोते की भी मौत हो गई थी। परिजन के अनुसार नव को आने वाले बच्चे का बहुत इंतजार था। इस बच्चे के लिए पहले ही नाम सोच लिया था। इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसे अग्रवाल फैमिली ने ही शेयर किया है। इस तस्वीर में निपुण और साक्षी मौजूद हैं और नव के हाथ में एक तख्ती नजर आ रही है जिसमें लिखा है सारा। तस्वीर में तीनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय इतना दर्दनाक होने वाला है। दरअसल पुनीत अग्रवाल इंदौर के पास पातालपानी स्थित फार्म हाउस पर 31 दिसंबर को परिवार समेत पार्टी मनाने पहुंचे थे। पुनीत अग्रवाल अपनी पत्नी बेटी दामाद पोते और मुंबई में रहने वाले रिश्तेदारों के साथ यहां बने अपने फार्म हाउस पर पहुंचे। परिवार के 7 सदस्यों के साथ जब अपने फार्म हाउस के टावर पर लगी लिफ्ट पर प्राकृतिक नजारा देखने के लिए चढ़े, उसी वक्त तकरीबन 70 फीट की ऊंचाई पर से अचानक लिफ्ट पलट गई और सभी लोग नीचे आ गिरे। वहां मौजूद पुनीत अग्रवाल के फार्म के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पहले उन्हें मऊ के अस्पताल फिर चोइथराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। दर्दनाक हादसे में 53 साल के पुनीत अग्रवाल, उनकी 27 साल की बेटी पलक, 28 साल के दामाद पलकेश अग्रवाल, 3 साल का पोता नौ, दामाद पलकेश अग्रवाल के 40 वर्षीय जीजा गौरव और 11 साल के बेटे आर्यवीर की मृत्यु हो गई। वहीं गौरव की पत्नी निधि गंभीर रूप से घायल है।